तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्लॉन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कैसे रिड्यूस किया जाए ये देखा था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें आपको और बताएंगे। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स देखिए, वॉट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मालूम है और उसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनती है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब कोई एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तीन तरह के होते हैं, इंटरचेंज ऑफ रो और कॉलम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय एनी नंबर एंड एडिशन ऑफ दिस रो इन एनी अदर रो और कॉलम। ये तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी एक सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक बार, बार बार नहीं, कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक बार जब किसी यूनिट मैट्रिक्स में अप्लाई किया जाता है तो भी तो जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसको आप लिख लीजिए, when we apply an elementary transformation in identity matrix, then we get elementary matrix. So, मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री by elementary transformation by elementary transformation एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स से, लेट आई थ्री इज दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें हम कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि अप्लाई इंटरचेंज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो, तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम लिखेंगे 2 3। 2 3 का मतलब है दूसरी और तीसरी रो
इंटरचेंज करने से ये मिली है। पहली में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरीके से दिस इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स, दिस इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम दूसरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज सी वन में ये कर रहे हैं, कॉलम वन में कॉलम टू में दो से मल्टीप्लाई करके उसको कॉलम वन में जोड़ेंगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी देखिए इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, वन टू टू। इसका मतलब ये हुआ कि इस रो या कॉलम में दो से मल्टीप्लाई करके पहले कॉलम में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम डैश लगा लेते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर मैट्रिक्स मिलेगी तो उसमें डैश नहीं लगाएंगे, बस ये अंतर करने के लिए है। देखिए क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा इसमें इस कॉलम में टू से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे, यहाँ जीरो है तो इन एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ दो मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा वन टू जीरो और बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, दिस इज आल्सो एंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। इसी तरीके से कोई भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चाहे वो रो का हो या कॉलम का हो, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब उसे अप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए कि हमने जो यहां पे किया है इसको अगर रो में करें तो रख लीजिए आल्सो अप्लाई आर रो आर वन प्लस टू आर टू, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम ऐसे लिखेंगे और क्या मिलेगी जरा देख लीजिए मैट्रिक्स को। यहां देखिए इसमें दो से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वन टू जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जरा देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये इसका ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज लीजिए, रो और कॉलम इंटरचेंज करिए, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है एंड सो ऑन। तो इनमें ये रिलेशन है कि ये जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड करते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इससे जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी, तो कॉलम से जो मैट्रिक्स मिलेगी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई करें और वही रो में अप्लाई करें
तो जो रो से मिलेगी और जो उससे कॉलम से मिलेगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, दोनों में रिलेशन ये होगा कि वन इज द ट्रांसपोज ऑफ अदर। ओके, ये जानने की चीज है। इसके अलावा बाकी जो दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, रो को इंटरचेंज करना, जैसे ये हमने जो इंटरचेंज किया था पहली रो, सॉरी दूसरी और तीसरी रो जो इंटरचेंज किया था ये मिला था। अगर मान लीजिए हम कॉलम इंटरचेंज करते हैं, दूसरा और तीसरा कॉलम, तो ये तो वैसे ही रहता और ये कॉलम यहाँ जाता, ये यहाँ चला जाता, तो देखिए फिर यही मिलता जो रो से मिला है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन से सेम मैट्रिक्स मिलती है, सेम एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलती है अगर पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंटरचेंज वाला अप्लाई करते। तो दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मान लीजिए सेकेंड रो को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लैम्डा आ जाता। इसी तरीके से अगर सेकेंड कॉलम को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते तो भी वही मैट्रिक्स मिलती। देखिए तो जो पहले दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उनसे जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी वो सेम होगी, चाहे वो रो से मिले या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मिले। लेकिन जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है उससे जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसमें फर्क होगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि वन इज द ट्रांसपोज ऑफ अदर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स नॉन सिमिलर मैट्रिक्स होती है। एनी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज नॉन सिमिलर, यानी उनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। जैसे ये था, इससे हमें ये मिला, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? आप जानते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट वन होता है, और अगर इसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, मान लीजिए हमने दो रो इंटरचेंज कर दी, तो रो के इंटरचेंज करने से या कॉलम के इंटरचेंज करने से क्या होता है? डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं हो जाता है। इंटरचेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा होगा तो नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये आप जानते हैं, तो वो नॉन सिमिलर ही होगी। इसके अलावा किसी रो या कॉलम में नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? डिटरमिनेंट किस जो नंबर है, वैल्यू है, वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही होगा। मान लीजिए लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं इसको या किसी भी रो या कॉलम को, तो क्या होगा? जब डिटरमिनेंट लेंगे तो वो लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, चूंकि यहाँ नॉन जीरो होता है लैम्डा, हमें पहले भी बताया था, तो डिटरमिनेंट जीरो होने का सवाल ही नहीं है। इसी तरीके से जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया और दूसरे में जोड़ा, तो इससे मालूम है डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी वैल्यू वही बनी रहेगी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, यानी वन। तो जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती हैं वो नॉन सिंगुलर होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। नॉन सिंगुलर का मतलब है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस सारी इन्वर्टिबल होंगी। इट इम्प्लाइज ऑल ई मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख लेते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स को ई मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल, सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ और बातें हैं इसमें बताने की, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ अगर मिल जाए कुछ।
तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें। वो फैक्ट्स ये हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एक थ्योरम बताते हैं। थ्योरम ये है कि एवरी एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लीकेशन विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो इस थ्योरम में ये बताना है एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय प्री मल्टीप्लीकेशन विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसी तरीके से कॉलम में होगा एवरी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय पोस्ट मल्टीप्लीकेशन विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, आपको इसको समझा देते हैं ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज एनी मैट्रिक्स कोई है, A1, B1, C1, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी हो सकती है, A2, B2, C2,
ए थ्री, बी थ्री, सी थ्री। ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, हमें इसमें कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए। तो मान लीजिए कि हमने अप्लाई किया इसमें, सपोज आर वन आर टू इंटरचेंज किया, तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, ये मैट्रिक्स बी मान लीजिए है, मिलेगी बी इज इक्वल टू वी गेट ए टू बी टू सी टू ए वन बी वन सी वन ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये मिलेगी। थ्योरम यह कहती है कि यही मैट्रिक्स भी मिल जाएगी अगर ए में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लीकेशन यानी पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इसको देखिए ना, इसको देखिए, ए मैट्रिक्स हमने लिया और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब यह है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे मिलेगी इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ कौन सा लेंगे, वो लेंगे जिसमें इसमें प्री मल्टीप्लीकेशन हो जाए, क्योंकि ये थ्री क्रॉस थ्री है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री की ही लेंगे, तभी वो इससे मल्टीप्लाई हो पाएगी। तो उसमें ये मान लीजिए ऑर्डर थ्री की मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 1 0 0 0, इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 0 1 0 1 0 0 0 1 0। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको मिलेगा, देख लीजिए ए टू बी टू सी टू, ठीक, इसको करिए तो ए वन बी वन सी वन, इसको करिए ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये मिल गया। तो वो देखिए बी ही है, मैट्रिक्स बी। तो यही हमको बताना था आपको कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा, कब, जब उस मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दें। और अगर मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो हो जाएगा अगर इस मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगी उसका पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करें, यानी उसको बाद में मल्टीप्लाई करें, ये अपने आप हो जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें हमने अप्लाई किया, अप्लाई सी वन, ये तो सेम ही आ जाएगी, सॉरी सी वन सी टू इंटरचेंज कर लीजिए तो क्या मिलेगी, मान लीजिए मैट्रिक्स सी मिलती है आपको ए में, तो क्या मिलेगी, सी वन सी टू इंटरचेंज कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। ये मिल जाएगा। थ्योरम यह कहती है कि यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर आप इस मैट्रिक्स ए में क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करें। तो इस मैट्रिक्स में
पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये आपकी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम इंटरचेंज करेंगे, कौन सा पहला दूसरा, तो पहला और दूसरा इंटरचेंज कर दीजिए। पहला दूसरा इंटरचेंज हो गया, बहुत अच्छा। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल गया, देखिए क्या मिल रहा है, बी वन इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको किया बी वन, इसको किया ए वन, इसको किया सी वन, इसको किया बी टू, ए टू सी टू, ए थ्री बी थ्री, ए थ्री सी थ्री। देखिए तो आपको यही मिल गया। तो किसी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया गया है तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, यानी जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगी वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए उस मैट्रिक्स में, और अगर कॉलम है तो पोस्ट में यानी बाद में कर दीजिए, तो वही मिल जाएगी। ये हो गया। अब हम आपको बता दें अगले लेक्चर में हम आप कंसीडर करते हैं, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगला लेक्चर ले लेंगे।